अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आ गए मदिया वाले रोड पर और यहाँ पे इस वक्त खुदाई शुरू हो चुकी है और ये क्रेन चलना शुरू हो गई है। ये देखें आप, ये पूरी खुदाई करती हुई जा रही है आगे की तरफ और ये गालबन सुई गैस की लाइनें डल रही हैं। सुई गैस महकमे के लोग हैं जो इसको लाइनों को डालने के लिए खुदाई कर रहे हैं, इनको अहकाम जारी हुए हैं। ये देखें सारी ये खुदाई जारी हुई हुई है। अच्छा, इसमें करने की बात ये है कि अभी इनसे आवाम से पूछते हैं कि भाई इससे इनको क्या मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सबका कारोबार डिस्टर्ब होने जा रहा है। देख रहे हैं आप, आयन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, ये क्या सुई गैस की लाइनें डल रही हैं क्या जी? तो ये पूछा इससे कब तक डाल देंगे ये लोग? ये कह रहे हैं हम शाम तक इसको भरते हुए आ जाएंगे और आपका काम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। शाम तक भर देगा और काम डिस्टर्ब नहीं होगा? शाम तक सुई गैस की लाइनें डाल के खुदाई बंद कर देगा जी, ऐसा बोल रहा है ये जी? शावर वाला, शावल वाला बोल रहा है ना ये तो? अच्छा चलो फिर देखते हैं, अगर बंद कर देता है तो। अभी फिलहाल आपका कौन सा काम है? ये काम आपका है? ये भी काम हमारा है। ये इनका वही चार्ट का ठिया है, ये इन्होंने बेचारों ने घुमा लिया है, ये डिस्टर्ब हो गए हैं। वो देखें पुलाव वाला, वो कहाँ पहुँच गया है? वो बेचारा रोड पे आ गया और मजीद बीच रोड पे आ गया है। वो क्या करेगा इंसान जब उसकी पेट पर लाट पड़ रही होगी, उसकी रोज़ी डिस्टर्ब हो रही होगी, तो मरता क्या ना करता। तो ये वाला हाल है इस वक्त। और इधर देखें आप, ये सारी खुदाई हुई है। हाँ बिलाल भाई, ये आप बताइएगा ज़रा, ये क्या मामला हैं? ये खुदाई हो रही है? ये 5C4 से पूरा यहाँ तक खुदा हुआ है। 5C4 भी खोद दिया गया है? तो ये इससे बात हुई सुई गैस वाले से कुछ? ये कह रहा है कि शाम तक हम भर देंगे लाइनें डाल के इसको खड्डे को। नहीं नहीं हो जाएगा, ऐसा कर देगा ये ताकि आवाम डिस्टर्ब ना हो ना हमारी। याद कर रहे हैं ये हाथ के हाथ लाइनें डाल रहे हैं, हाथ के हाथ बंद कर रहे हैं। आपके 5C4 पर भी बंद हो गया हाथ के हाथ? ये कब खुदा था आपका 5C4? और उसी दिन जिस दिन खुदा उसी दिन बंद हो गया? अच्छा चलें, ये तो फिर अच्छी बात है कि हाथ के हाथ काम हो रहा है। तो डाल दें इधर का रोड, लाजमी डालें। हाँ रोड डलेगा क्योंकि खुदाई हो रही है, तो बाद में रोड तो डलना ही है। तो आवाम की जो है वो आला हुकाम से यही अपील है कि इसको फौरी तौर पर भर दिया जाए ताकि आवाम की जो है ना रोज़ी रोटी चलती रहे, लोगों का कारोबार डिस्टर्ब ना हो। हम यही बात कहना चाहेंगे तमाम लोगों से, वज़ीर आला सिंध से, गवर्नर सिंध से और कमिश्नर कराची से हम ये गुजारिश करते हैं कि इसको फौरी तौर पे जो है काम मुकम्मल करके और ये जो पिट हो रही है इसको बंद कराया जाए पिट को। ये देखिए क्रेन लगी हुई है, काम चल रहा है। आए चलते हैं यहाँ भी, तो बात करते हैं इनसे। देखिए हाँ हो रहा है, सुई गैस की लाइनें डल रही हैं, सुई गैस की लाइनें डल रही हैं भाई मदिया वाले रोड पर नॉर्थ कराची में। ये वहाँ से देखें खुदाई शुरू हुई है कोने से और ये पूरी वहाँ तक जाएगी खुदाई, अभी 5 स्टार तक पूरा मदी वाला रोड खुद जाएगा। पावन भाई क्या बोल रहा है, ये शाम तक भर देगा? शाम तक भर देंगे वापस, ये इंशाल्लाह शाम तक भर देंगे वापस, लाइन डल जाएगी आज ही। पेप आ रहे हैं भाई, लाइन डलेगी और हाथ के हाथ भर दिया जाएगा, तो ये तो बहुत ही आला काम हो जाएगा, सुई गैस जिंदाबाद हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा हाथ के हाथ लाइन डाल रहे हैं और हाथ के हाथ भर रहे हैं ये? हाँ, शाम तक भर देंगे, शाम तक भर देंगे ये इंशाल्लाह। देखो ये ऐसा ना हो हमारे जख्म जो है भर दें या खड्डा भर दें, क्या भर दें, जख्म भी भर जाते हैं खड्डा भी भर जाएगा। चलें देखते हैं, क्योंकि देख रहे हैं काम कितना मुतासिर होने जा रहा है लोगों का, बेचारे कारोबारी लोग हैं। आसानी के लिए, आगे की आसानी के लिए थोड़ी सी मुश्किलात उठानी पड़ेगी, लेकिन इसमें इनको हमारा साथ देना होगा आवाम का कि खुदाई करके लाइन डालें और इसको फिल करें, हद से हद 1 से 2 दिन लग जाए बस। पिछली जो गलियों में किया है उन्होंने हाथ
यार्ड बंद किया है। अच्छा, मैं यही 5/2 में रहने वाला हूँ। सही, चलो भाई देखते हैं आवाम की उम्मीदें हैं गवर्नमेंट से व्यवस्था। और इतने 60-65-70 साल के बाद ये लाइनें डल रही है, कुछ सारी उम्र के लिए नहीं डली थी। सही बात है। और अगर ये दोबारा डल रही है तो बहुत अच्छा एकदम है। सुई गैस की लाइन तो शायद दूसरी बार डल रही है ना? नहीं, नहीं, पहली मरतबा डल रही है साहब। नहीं मतलब पहली मरतबा जब डली थी जी, उसके बाद अब सेकंड टाइम ये डल रही है 75-78 सालों में। इनकी लाइनों के अंदर मीटरों में पानी आ जाता है जी, सारा सिलसिला खत्म हो जाएगा। सही सही, गैस की लाइनों में भाई जो लीकेज हो रही थी, पानी आ जा रहा था, वो सब सिलसिला खत्म हो जाएगा। 78 साल हो गए गैस की लाइनें डले हुए, अब ये दूसरी बार पाकिस्तान की तारीख में गैस की लाइनें डलने जा रही है। ये होता है जब पानी बंद हो जाता है, जब दोबारा आता है तो उसके साथ गटर का भी पानी आना शुरू हो जाता है। वो इसीलिए वो इश्यूज दूसरे हैं, ये अगर इनकी लाइन भी टूट जाती है, खुद ही सही कर रहे हैं। ये वो इशू है कि गैस की जो मीटर के पाइप में जो पानी आता था, लीकेज होती थी पानी, हम बोलते हैं पानी कहाँ से आ रहा है गैस की लाइन में, तो ये वो वाला इशू है कि गैस की लाइनें लीक थी। जमीन जो है लोहे को खा जाती है। हाँ, अब 78 साल के अंदर पत्नी कहाँ कहाँ से ये लाइनें टूट गई हैं, गल गई हैं, तो उनको अगर रिपेयर कर रहे हैं अच्छी वाली। अब मेरा ख्याल है जो नई लाइन ये डालेंगे फाइबर की डाल रहे हैं, ये फाइबर की डाल रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। फाइबर की लाइन डालने जा रही है जी, देखते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करे। $7 बिलियन जो IMF से मिले हैं वो लगते हुए नजर आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। अल्लाह ताला रहम फरमाए हमारी आवाम के ऊपर। इसके बाद कारपेटिंग होगी, रोड भी डलेगा, तो देखते हैं आगे चल के क्या होने वाला है। और हम आवाम से यही अपील करेंगे कि पूरा मन रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, शेयर करें। हाँ मामू, ये खुदाई हुई है क्यों? ये मुझे क्या पता क्यों हुई है। अबे वालों से पूछो, उनसे पूछो। ये क्या कह रहे हैं, बंद कर देंगे शाम तक? क्या पता बंद करेंगे नहीं करेंगे, रोजगार की तो लग गई ना, हमारी तो गटर की लाइन भी तोड़ दी उन्होंने। अच्छा, गटर की लाइन तोड़ दी? हाँ। सुई गैस वालों ने खुदाई की जी और मामू की गटर की लाइन तोड़ दी गई है, एक बहुत बड़ा सानिया हो गया है यहाँ पर। राव मामू बात तो करो। ये देखें व्यूअर्स, ये पानी की लाइन टूट चुकी है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक ये लाइन टूट गई है, एक ये पानी की लाइन टूट गई है। अब ये लोग पानी से महरूम, जिनकी लाइनें टूट गई हैं पानी से महरूम हो जाएंगे। ये देखें पानी भी दिख रहा है आपको बहता हुआ, खुदाई के अंदर सारा पानी पड़ा हुआ है, ये देख रहे हैं आप। तो हमारी वज़ीर आला सिंध से, गवर्नर सिंध से और कमिश्नर कराची से यही दरख्वास्त है कि इस खुदाई को फौरन सुई गैस की लाइनें डाल के 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर फिल कर दिया जाए, इस पिट को भर दिया जाए, ताकि आवाम के पेट पर लात ना पड़े और आवाम की रोज़ी रोटी में मुश्किलात ना सामना ना करना पड़े आवाम को। आवाम बहुत परेशान हो जाएगी, फतारे वालों का काम ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। ये देखें